आज सेशन में हम 10th की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। जैसा कि यूनिट के नाम से ही जाहिर है कि इस यूनिट में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस करना है और वेव्स के बारे में, वेव्स की कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। कोई भी बॉडी जो बैक एंड फोर्थ मूव करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, उसको हम कहते हैं ये वाइब्रेटिंग मोशन कर रही है। और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये एक स्पेशल टाइप है वाइब्रेटरी मोशन की। स्पेशल टाइप क्यों है? क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड मीन पोजीशन होती है, और उसका जो डायरेक्टली रिलेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने के लिए दो यहाँ पर एग्जाम्पल है। एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है और दूसरा आपके पास जो बहुत फेमस है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो ये दोनों एग्जाम्पल शो की जाती है, अप्लाई जाती है हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बाउल की मोशन, बाउल प्लेस इन बाउल, बाउल के अंदर यानी ये आपके पास एक बाउल है, इसके अंदर जो बाल मूव करता है इस तरह, तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्प्रिंग के साथ मैस अटैच होता है और वो किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा होता है, उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और उसका हम फार्मूला देखेंगे कि उसका टाइम पीरियड क्या आता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये याद रखें कि कोई भी बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त करती है जब वो उसके पास दो चीज़ें हों। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो चीज़ें होना जरूरी है। पहला इलास्टिक, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स, नंबर दो इनर्जिया। ये दो चीज़ें होंगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सस्टेन रह पाएगी। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट इसके फैक्टर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं। इनर्शिया तो हर जगह पे एक ही चीज़ है कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो अपनी मोशन को सस्टेन रखना चाहता है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। अब जो पहला केस है जिसमें जो हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें जब आप इस मैस को फोर्स अप्लाइड फोर्स से आप इधर खींचते हैं, ये अप्लाइड फोर्स है, और फिर जब आप इसको रिलीज करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो मैस है ये वापस मूव करता है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आई? ये जो हमने स्प्रिंग लिया हुआ है, इस स्प्रिंग का जो मटेरियल है, इस मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रही है रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये बॉडी जो है ये जब अपने इस मेन पोजीशन पे पहुंचता है तो असल में इसे यहाँ पर रुकना चाहिए, लेकिन नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से ये आगे मूव कर रहा है पॉइंट पोजीशन बी पे। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें हैं जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमेशा के लिए कायम रखते हैं। यानी आप मेन पोजीशन से आप पहले खींचते हैं ए की तरफ अप्लाइड फोर्स से, फिर वही बॉडी जो है वो ए से ओ की तरफ वापस आती है रिस्टोरिंग फोर्स वैसे, और यहाँ पे मैस स्प्रिंग सिस्टम में आपकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोवाइड हो रही है इलास्टिसिटी या मटेरियल की तरफ से। और फिर ये ओ से आगे बी की तरफ क्यों जाता है? इनर्शिया की वजह से। और यही एक पैटर्न चलता रहता है, आप रिस्टोरिंग फोर्स इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करती रहती है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान। ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती हैं, और ये जो इनिशियल पोजीशन थी मेन पोजीशन भी कहा जाता है, नेचुरल पोजीशन भी कहा जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको हुक लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है माइनस एक्स के, यानी हर वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली रिलेटेड हो उसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन देंगे। ये एक कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन को चेक करने के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि चेक करें कि ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो आपने चेक करना है कि क्या जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। और ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजिशन होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो एक और चीज़ अज्यूम की थी वो ये थी कि हमारे पास जो सर्फेस है वो फ्रिक्शन लेस सर्फेस है, यानी ये जो टेबल है जिसके ऊपर ये मैस मूव कर रहा है ये फ्रिक्शन लेस है, और इसको फ्रिक्शन लेस होना भी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि बॉडी जो है वो हमेशा टू एंड फ्रो मोशन जारी रखे, तो ये फ्रिक्शन लेस होना होगा। और इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी आपको इग्नोर करनी होगी। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करेंगे, फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करेंगे, तो फिर जाहिर है ये एक आइडियल केस नहीं रहेगा। और जो टाइम पीरियड का फार्मूला लिखते हैं वो टाइम पीरियड का फार्मूला एक्जैक्टली इसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो जो फार्मूला हम टाइम पीरियड का लिखते हैं जो आगे अभी हम देखेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, तो ये फार्मूला उस वक्त वैलिड है जब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हो और किसी किस्म की आपने रेजिस्टेंस को इंक्लूड ना किया हुआ हो। यहाँ पे जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये हमें बताता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, यानी जो स्प्रिंग है वो कितना ज़्यादा सख्त है। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है स्प्रिंग ज़्यादा सख्त है, और अगर के की वैल्यू जो है वो स्मॉल है तो इसका मतलब है जो स्प्रिंग है वो आपका सॉफ्ट है।
ये फार्मूला है मैस ऑफ इन सिस्टम का, जो मैस वाइब्रेट कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, या बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा होता है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, उसका फॉर्मूला है एम। जो स्प्रिंग का मैस नहीं है बल्कि स्प्रिंग के साथ आपने जो मैस अटैच किया है ये वो वाला मैस है। यानी ये चीज़ों को अच्छी तरह समझना होता है कि फॉर्मूले में ये क्या है। ये तो एम जो है ये वो मैस है जो आपने अटैच किया है, स्प्रिंग का मैस नहीं है, और के जो है ये स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। इसके अलावा कुछ टर्म्स देख लें, अभी बताया है कि इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं, और तो दो एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, एक आप इसको ए का नाम दे दें, दूसरी को आप बी का नाम दे दें, और ये दरमियान में जो सेंट्रल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने या मीन पोजीशन कहने। अब जो बातें याद रखने वो ये हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, चाहे एक्सट्रीम में चाहिए, और एक्सेलरेशन जो है, बल्कि एक्सेलरेशन की बजाय काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी यहाँ पे क्या है, जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², तो वी जीरो होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगी। अब चूंकि हमें पता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इस केस में कंजर्व रहती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, तो बिल्कुल इस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो कंजर्व रहती है। तो अगर एक किस्म की एनर्जी जो है वो कम हो रही है तो दूसरी किस्म की बढ़ जाएगी, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस केस में यानी एक्सट्रीम पोजिशन पर मैक्सिमम हो जाएगी इधर भी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ज़्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। इस तरह अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजिशन पर जो एक्सेलरेशन है वो इस वेलोसिटी के उल्टा होगा, तो वो मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है। अब अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पे ये सारे पैरामीटर उल्टा कर देंगे, यानी मीन पोजीशन पे यही वेलोसिटी जो जीरो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो कि मैक्सिमम था एक्सट्रीम पोजीशन पे वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो कि यहाँ पे आपको जीरो नजर आ रही है वो मीन पोजीशन पे आके मैक्सिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो आपको यहाँ पे मैक्सिमम नजर आ रही है वो यहाँ पे मीन पोजीशन पे आके मिनिमम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। साइड में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में आपका जो कान का पर्दा है वो 20,000 मरतबा वाइब्रेट कर सकता है। तभी तो इंसान के सुनने की जो मैक्सिमम सलाहियत है, फ्रीक्वेंसी है, वो 20,000 हर्ट्ज है, या 20 किलो हर्ट्ज जिसे आप कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान जितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है उतनी ही मरतबा आपके कान का जो एयर ड्रम है वो वाइब्रेट कर सकता है, या कोई आप यूँ कह रहे हैं कि आपका कान जितनी मरतबा 1 सेकंड में वाइब्रेट कर सकता है आप उतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आपको दिया गया है कि आपका कान जो है वो 20,000 मरतबा 1 सेकंड में वाइब्रेट कर सकता है, इसका मतलब यह है कि आपका कान जो है वो 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुन सकता है, इससे ज़्यादा की नहीं सुन सकता। ये एक क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल, किस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपस में इक्वल हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करें और उनको आपस में इक्वल करें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करें, और एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक्स का यानी डिस्प्लेसमेंट की वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाती है। उसके बाद बॉल एंड बाउल सिस्टम है, ये बिल्कुल पेंडुलम की तरह का ही है, ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, और दरमियान में जो है ये मीन पोजीशन है। तो बाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोशन और इधर मूव करते हैं, ये मीन पोजीशन है, इनर्शिया की वजह से यहाँ नहीं रुक पाता बल्कि आगे चला जाता है, फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आता है, मीन पोजीशन पर नहीं रुक पाता इनर्शिया की वजह से और फिर आगे चला जाता है, और इसी तरह रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया दोनों ही रोल प्ले करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को मेंटेन रखने में। बाकी वही बातें सारी इधर भी वैलिड है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, और एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है, और इसी तरह मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, या मिनिमम क्या है। सिंपल पेंडुलम में जो इलास्टिक फोर्स है, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स है, वो प्रोवाइड होती है ग्रेविटी की फोर्स। मैस ऑफ इन सिस्टम हमने देखा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोवाइड होती है इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल से, लेकिन पेंडुलम के केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोवाइड होती है ग्रेविटी की वजह से, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है रिस्टोरिंग फोर्स। इसके अलावा जो वेट है W=mg, तो इसके यहाँ पे एक एक्सट्रीम पे हम देखें तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं फिगर से कि जो पेंडुलम है वो कभी भी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करता, इसका मतलब है ये जो एम जी कॉस थीटा है इसका कोई रोल नहीं है पेंडुलम की मोशन में, पेंडुलम हमेशा इधर मूव करता है इस साइड पे, लिहाजा इसका मतलब यह कि जो एम जी साइन थीटा है इसी का सारा रोल है मोशन में, तो लिहाजा
एम डी कॉस थीटा जो है इसकी तरफ से कोई मोशन नहीं है, ये कोई मोशन परफॉर्म नहीं करवाता, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका कोई रोल नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। और जो एम डी साइन थीटा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है, इसी का सारा रोल है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, यानी जैसे पेंडुलम मोशन अपनी मेंटेन रखता है उसमें एम जी साइन थीटा का रोल है। इसके अलावा ये बात याद रखनी है कि जो एंगल है थीटा ये वेरी स्मॉल होना चाहिए, थीटा वेरी स्मॉल होना चाहिए। जो हम पीरियड टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसमें ये कंडीशन है कि थीटा जो है ये बहुत स्मॉल होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास स्ट्रिंग है ये मैसलेस होनी चाहिए। बाकी इसमें भी सारी कंडीशन वही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी मैक्सिमम होती है। और मीन पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे भी सारी बातें वही वैलिड है, मीन पोजीशन पे पहुंच के वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है या मिनिमम कह रहे हैं। बाकी इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे और दूसरा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब पर डिपेंड नहीं कर रहा कि बॉब जो आपने ली हुई है उसका कितना मास है। या तो बार बार क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अगर हम बॉब का मास डबल कर दें ट्रिपल कर दें तो टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो मास ऑफ बॉब पर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड की डेफिनेशन साथ ही लिख दिया उसने यहीं पे, ये वो टाइम होता है जिसमें पेंडुलम एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। एक वाइब्रेशन मतलब एक होता है एक मुकम्मल चक्कर, यानी एक एक्सट्रीम से यहाँ गया वापस दोबारा उसी जगह पे आया तो ये एक वाइब्रेशन है, ठीक है। यानी पॉइंट ए से स्टार्ट किया पॉइंट बी तक गया दोबारा पॉइंट बी से ए तक वापस आने को एक वाइब्रेशन कहते हैं, और इसके लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है हम कहते हैं ये टाइम पीरियड है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन उसने दे दिया कि टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम का इंडिपेंडेंट है मास एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता। एम्पलीट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपके पास मेन पोजीशन से जो आप स्टार्ट लेते हैं और जहाँ तक आप आते हैं ये वाला, ये सारा एम्पलीट्यूड है। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, एक एक्सट्रीम दो नहीं, मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है ये सारे का सारा क्या कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। लेदर टाइम पीरियड जो है ये ना तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और ना ही मास पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ पे और दूसरा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे। यहाँ पे कुछ फीचर दिए हुए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसमें बॉडी वाइब्रेट करता है अबाउट फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पॉइंट के जैसे मेन पोजीशन कहते हैं उसके अराउंड अबाउट बॉडी वाइब्रेट करती रहती है। एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है और जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट से, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी एक्सेलरेशन जो है वो मेन पोजीशन पे जीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। वेलोसिटी जो है वो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर जीरो हो जाती है, क्योंकि बॉडी वहाँ पे इंस्टेंटेनियसली रुकता है, और रुकने का मतलब यही है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो है। वाइब्रेशन एक एक्सट्रीम से, ये एक एक्सट्रीम है ये दूसरी एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम से इधर जाने और फिर वापस उसी पॉइंट पे वापस आने तक का जो फासला होता है उसे आप सॉरी एक पूरा जो चक्कर होता है एक राउंड ट्रिप जो होता है उसे आप वाइब्रेशन कहते हैं। और टाइम पीरियड क्या है, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, यानी पॉइंट ए से बी तक जाने में और बी से वापस ए तक आने में जितना टाइम लगता है, या एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे आप टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन मुकम्मल होती है उसे आप एक उसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड के साथ रिलेशनशिप है वो ये एफ इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्स है। एम्पलीट्यूड क्या है, मेन पोजीशन वो मेन पोजीशन से लेके आप एक एक्सट्रीम तक का जो फासला है उसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, से एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या ए नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और मेन पोजीशन से किसी दूसरे पॉइंट तक, यानी यहाँ तक अगर बात करें तो आप सिंपली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एम्पलीट्यूड के लिए आपने साथ नॉट लगाना है एक्स नॉट या ए नॉट, लेकिन अगर वैसे डिस्टेंस है मेन पोजीशन से किसी पॉइंट तक का जो फासला है उसे आप सिंपल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। डैम्ड ऑसिलेशन, जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही हो और रेजिस्टिव फोर्सेस को आप इंक्लूड करेंगे तो फिर उस ऑसिलेशन को आप डैम्ड ऑसिलेशन कहेंगे। जैसे कि अगर आप पेंडुलम को मूव करवा रहे हैं वो वाइब्रेट कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है और ए रेजिस्टेंस भी इंक्लूड कर रहे हैं आप, ग्रेविटेशनल इंपैक्ट भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, इसके अलावा और भी अगर कोई रेजिस्टिव फोर्सेज हैं तो वो आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर वो जो ऑसिलेशन से आप डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और डैम्ड ऑसिलेशन की मौजूदगी में जो बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है ऑसिलेट कर रही होती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि शुरू में इसका एम्पलीट्यूड यहाँ तक था, बाद में इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होते होते बिल्कुल एक वक्त आता है कि वो बॉडी ऑसिलेट करना खत्म कर देती है, छोड़ देती है, यानी उसका एम्पलीट्यूड जो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ऐसी ऑसिलेशन, ऐसी वाइब्रेशन जिसके अंदर, ऐसी सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेज या फ्रिक्शनल फोर्सेज, तो उसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। गाड़ियों का जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, ये मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको स्प्रिंग नजर आते हैं ये सारे के सारे यही काम करते हैं कि जंप लगने से जो जर्क ऊपर आना था, जंप या झटका ऊपर आना था, वो ये शॉक एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत कम उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हम तक पहुँचता है। तो ये कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। वेव मोशन, मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है
वेव इज अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम व्हिच कॉजेस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। यानी किसी भी मीडियम के अंदर जब ऐसी डिस्टरबेंस पैदा हो जिससे मीडियम के पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट करते हैं, आप उसको कहते हैं ये वेव है। और वेव की बेसिकली दो टाइप्स है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको पास करने के लिए, गुजरने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव होती है जिनको मीडियम में गुजरने जिनको गुजरने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स की हमारे पास जो वाटर वेव्स हैं ये भी मैकेनिकल वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं ये भी मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि साउंड को भी पास करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि दूर दराज जो स्टार्स पे धमाके हो रहे हैं वो हम तक कभी भी नहीं पहुंचे, उसके जरिए अगर रस्ते में खला है वैक्यूम है और उस आवाज़ को तुम्हारे तक पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत है। अगर रस्ते में कोई मीडियम होता तो ज़मीन पर बेशुमार और हर वक्त कोई ना कोई धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है, और हमारी ज़िंदगी यहाँ पे एक सुकून के साथ ज़िंदगी या एक स्मूथ ज़िंदगी हमारी बहुत मुश्किल हो जाती। स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चूंकि इनको पास करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ये रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, हीट, लाइट वेव्स वगैरह, ये सारी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन मीडियम में वो स्पेसेस होती हैं, वो जगह होती हैं जहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो आपस में क्लोज हो जाते हैं। कंप्रेशन वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे पार्टिकल जो आपस में क्लोज हो जाते हैं, जिसमें ये स्प्रिंग की मिसाल दी गई है, तो स्प्रिंग का ये वो हिस्सा है जहाँ पे स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं वो आपस में क्लोज हैं, इसी को कंप्रेशन कहते हैं। और मीडियम का वो हिस्सा जहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में काफ़ी दूर हो जाते हैं, उस हिस्से को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं वो आपस में काफ़ी दूर हो गए, तो ये रिफ्रैक्शन। इसी तरह साउंड वेव्स की अगर हम बात करें तो साउंड वेव में भी ऐसा है कि जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे वेरी क्लोज हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे है, तो ये ऐसा जो है ये कंप्रेशन कहलाता है, और यहाँ पे पार्टिकल आपस में काफ़ी गैप पे हो जाते हैं, इसे कहा जाता है रेयरफेक्शन। फिर आगे इसी तरह और ये पैटर्न में मूव करते हैं, यानी कंप्रेशन के बाद रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन के बाद फिर कंप्रेशन, और फिर जो है रेयरफेक्शन आता है इस तरह। और एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का जो फासला होता है उसे आप एक वेवलेंथ कहते हैं। सिमिलरली ये रेयरफेक्शन है और आगे फिर रेयरफेक्शन है, तो इसके मिड से लेकर इसके मिड तक का जो फासला, यानी एक रेयरफेक्शन से अगले रेयरफेक्शन तक का भी फासला जो है वो एक वेवलेंथ या लैम्डा आप कहते हैं। लेकिन अगर आपके आपने एक कंप्रेशन से अगले साथ वाले कंजक्टिव रिफ्रैक्शन तक का फासला देखना तो याद हो जाएगा, यानी लैम्डा बाई टू हो जाएगा। इस साइड में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, जो अभी आगे अभी हम पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर थ्रू सॉलिड्स देन थ्रू गैसेज या लिक्विड। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो सॉलिड में ज्यादा जल्दी मूव करती है एज कम्पेयर टू गैस या लिक्विड के, लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव होती है ये सॉलिड में मूव करती हैं। ट्रांसवर्स वेव मूव थ्रू सॉलिड एट स्पीड ऑफ लेस देन हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड से हाफ से भी कम स्पीड से मूव करती है सॉलिड के अंदर। इट इज बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग दिस अप एंड डाउन मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज लेस देन द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय बैक एंड फॉरवर्ड मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। तो ये रीजन है जी, ये जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है उनको लेस रिस्टोरिंग फोर्स मिलती है ट्रांसवर्स वेव के लिए, जिस वजह से वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की निस्बत हाफ से भी कम स्पीड से मूव करती है ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव जो कि मैकेनिकल वेव की टाइप है वो देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है, यानी सपोज ये वेव जा रही है इधर, खुद वेव जा रही है, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, यानी इधर जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ये है कि अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी राइट साइड पर जा रही है, तो मीडियम के पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे मूव करेंगे, अप एंड डाउन, यानी परपेंडिकुलर। इसमें ये पैरेलल है, और ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। इस लिहाज से जो साउंड वेव्स हैं ये आप कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और वाटर वेव जो है ये क्योंकि इसमें वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, और वेव जो है वो आगे की तरफ जा रही है, लिहाजा वो ट्रांसवर्स वेव है। सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो भी ट्रांसवर्स नेचर रखती है, उसमें भी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो लिहाजा वो भी ट्रांसवर्स नेचर रखती है। और साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव के अंदर अगर जो डिफरेंस है प्रॉपर्टीज वाइज वो पोलराइजेशन का है, यानी लाइट की जो वेव्स हैं वो पोलराइज हो सकती हैं लेकिन जो साउंड वेव्स हैं वो पोलराइज नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है, अक्सर टेस्ट में ये आया होता है। स्लिंकी जो है, स्लिंकी एक्चुअली एक स्प्रिंग होता है जो बहुत ही लाइट स्प्रिंग होता है, उससे आप दोनों तरह की वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्लिंकी से आप दोनों किस्म की वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा दो कंडक्टिव क्रस्ट या दो कंडक्टिव ट्रफ के दरमियान, ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये एक वेव, अगर हम दे रहे हैं ये वेव, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है या मीन पोजीशन होती है, तो ये क्रस्ट है। मीन पोजीशन से ऊपर वाला जैसा होता है वो क्रस्ट होता है, यानी ये वाला सारा क्रस्ट है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे वाला जैसा होता है वो ट्रफ कहलाता है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी एक क्रॉस से अगले क्रॉस तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। सिमिलरली एक ट्रफ से लेके अगले ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी एक वेवलेंथ होता है यानी लैम्डा होता है। और एक ट्रफ और एक क्रस्ट को अगर आप कंबाइन कर दें यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर डिस्टेंस आप देखें ये डिस्टेंस, तो ये भी एक वेवलेंथ है। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना बनता है। इसी तरह अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है तो ये हाफ हो रहा है, ये लैम्डा बाई टू है। वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव के थ्रू आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मैटर के थ्रू तो आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं लेकिन उसमें मैटर भी साथ ही ट्रांसफर हो जाए। जैसा कि आप जब गन फायर करते हैं तो बुलेट ट्रांसफर करती है एनर्जी, आपके टारगेट पे एनर्जी ट्रांसफर करती है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह कि वो साथ मैटर भी ले जाती है। लेकिन वेव्स के थ्रू आप एनर्जी तो ट्रांसफर करते हैं लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता, जस्ट एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहाँ साइड में इन्फॉर्मेशन है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है यानी वो ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं एज कम्पेयर टू वो वेव जिनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट अलग है एनर्जी के साथ, जितनी आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वेव की उतनी ही उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी और उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए भी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या अलग है, वी इक्वल टू एफ लैम्डा, बहुत ही आसान सा रिलेशनशिप है। वी इक्वल टू एफ लैम्डा, वी जो है वेव की वेलोसिटी है, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है लैम्डा। ये जो रिलेशनशिप है ये दोनों किस्म की वेव से रिलेटेड है यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों के लिए वैलिड है। थर्ड इन्फॉर्मेशन, अर्थक्वेक जो है वो भी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम सीज़मिक वेव्स कहते हैं, ठीक है सीज़मिक वेव। इसी तरह ये जो हाई स्पीड मूविंग जेट होते हैं वो जब स्पेस के अंदर एटमोसफेयर के अंदर हाई स्पीड से मूव करते हैं जैसा कि सुपरसोनिक स्पीड के साथ यानी मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड होती है, इससे ज़्यादा जब वो स्पीड अटेन करते हैं तो उसके बाद भी वो एटमोसफेयर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें शॉक वेव्स कहा जाता है या सोनिक बूम कहा जाता है। वो वेव्स भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके हमारे तक आती हैं और हमारे यहाँ हमारे जो दरवाजे हैं उनके अंदर ठीक ठाक वाइब्रेशन होती है या बाद तो खिड़कियों के शीशे भी टूट जाते हैं। तो ये सीज़मिक वेव्स जो इनका तल्लक अर्थक्वेक के साथ है और जो शॉक वेव्स होती है इनका तल्लक होता है जो हाई स्पीड जेट मूव करते हैं मोर देन स्पीड ऑफ साउंड से मूव करते हैं या जिसे आप सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं उससे मूव करते हैं। सुपरसोनिक होता है हवा, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड से मूव करना, और इंफ्रासोनिक होता है आवाज़ की स्पीड से कम स्पीड से मूव करना। रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस है जिसे आप वेव की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, जब भी वेव जो है वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है, रुकावट से टकराती है तो वो वापस मुड़ आती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या है कि जब आप का मीडियम चेंज हो जाता है यानी वेव एक पहले डेंसर मीडियम में थी फिर आगे एक रेयर मीडियम आ गया, तो वेव जब जब वेव का मीडियम चेंज होगा तो वो अपने असल रास्ते से हट जाएगी, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। वाटर वेव्स की स्पीड की बात करें तो जो गहरा पानी होता है वहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और यहाँ पे शैलो वाटर होता है यानी कि कम गहरा पानी होता है वहाँ पे वाटर की स्पीड कम होती है। इसके अलावा ये बात हमें याद रखनी है कि जो भी फिनोमेना हो रहा है उसमें एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है वो है फ्रीक्वेंसी, चाहे रिफ्लेक्शन हो रही है चाहे रिफ्रैक्शन हो रही है। तो वी इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला जो है, वी इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कभी भी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा जो सोर्स है उस पर डिपेंड करती है, बाकी अगर मीडियम चेंज हो या ना हो उससे फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। मीडियम चेंज होने से ये दो चीज़ें आपस में चेंज होती हैं, फ्रीक्वेंसी या तो सॉरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है क्योंकि वी और लैम्डा जो है ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है डायफ्रेक्शन। डायफ्रेक्शन ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर सारी बात लिखी हुई है, ये पैराग्राफ आप अच्छी तरह कर लीजिएगा, इसके अंदर ये सारी बात लिखी हुई है कि गहरा पानी हो तो उसमें जो वाटर स्पीड होती है वेव्स की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, और अगर कम गहरा पानी जैसे शैलो वाटर वो कह रहा है तो फिर वाटर वेव्स की जो स्पीड है वो कम होती है। नेक्स्ट है डायफ्रेक्शन।
तो डायफ्रेक्शन में ये है कि जब लाइट है, सॉरी, जो वेव्स हैं वो जब किसी स्मॉल स्लिट से गुजरती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं, और ये स्लिट जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि इस स्लिट की जो विड्थ है, ये वाली जो स्लिट है, ये जो आपको गैप नजर आ रहा है इसको स्लिट कहा जाता है, ये जो स्लिट है इसकी 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 जो विड्थ है स्लिट की, ये कंपेयरेबल होनी चाहिए। यानी ये अगर इस स्लिट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डी से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी विड्थ डी है, तो ये कंपेयरेबल होनी चाहिए जो वेव्स आ रही हैं उनकी वेव लेंथ के। वेव लेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये सॉलिड का जो सेपरेशन है ये वेव लेंथ से ज़्यादा है, ये डी ग्रेटर है, ये अगर ग्रेटर है वेव लेंथ से, तो फिर डायफ्रेक्शन का जो फिनोमेना है वो प्रोमिनेंट नहीं होगा।